नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ महेश राम और आज मैं बनाने जा रहा हूं महाप्रसाद। तकरीबन 300 से 400 लोगों के लिए रवे का हलवा बनाना है, तो इतनी सारी क्वांटिटी में किस तरह से बनाया जाता है वो सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले हमने एक बड़े से पतीले में तकरीबन 4 किलो घी लिया हुआ है। आप देख सकते हैं हमने देसी घी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो डालडा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने बजट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। और अब इसमें हम तकरीबन उतना ही क्वांटिटी में यानी कि 4 किलो सूजी लिया हुआ है और सारे पैकेटें हम खोल के इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने 4 के 4 पैकेट ऐड कर दिया है सूजी का। अब इसे हम मीडियम आंच में भूनेंगे, ब्राउन होने तक हल्का ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हमको वाइट वाइट बनाना है। तो देख सकते हैं मैं बहुत तेज आंच में नहीं भून रहा हूं। तो देख सकते हैं घी बिल्कुल रिलीज कर रहा है, यानी कि यह रवा मेरा तैयार हो रहा है भून के। तो देख सकते हैं रवा बिल्कुल भून के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिक्स ड्राई फ्रूट जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और वो लिया है तकरीबन हम 500 ग्राम जिसमें काजू बादाम और मिक्स ड्राई फ्रूट्स किशमिश वगैरह है। आप जो अपनी पसंद के अनुसार डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और हम इसमें तकरीबन 100 ग्राम चारोली भी हमने ऐड किया है, आप इसे भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो रवे के साथ हमने ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध जो तकरीबन 6 लीटर है। तो देख सकते हैं हमने दूध ऐड कर दिया है सारे। अब इसमें हम तकरीबन 4 किलो चीनी के साथ हमने तकरीबन 6 लीटर पानी लिया हुआ है और दोनों को हमने उबाल लिया था, तो ये भी हम ऐड करेंगे। तो दोस्तों
मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में लिख दिया जाएगा। अब मेजरमेंट के साथ ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अब इस वक्त हम तकरीबन 25 ग्राम इलायची पाउडर चीनी के साथ पीस लिया था वो हम ऐड करेंगे, देख सकते हैं, और इसे हम पकने देंगे। और इस वक्त हम ऐड कर रहे हैं 6 पका हुआ केला, ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये अपने पसंद के अनुसार होता है। तो देखा हमने 6 केले भी ऐड कर दिया है, और अब हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे, क्योंकि 12 लीटर दूध और पानी पड़ा हुआ है तो ये रेवे को अच्छी तरीके से पकाएगा। तो देख सकते हैं रवा मेरा पक चुका है, अब हम इसे ढक के गैस बंद करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद अब 15 मिनट हो चुका है तो अब हम ओपन करके इसको चेक करेंगे। तो देख सकते हैं रवा 100% परफेक्ट बन के तैयार है। तो दोस्तों अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, उसी से मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।